नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं मैं किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, किन म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं इन्वेस्ट करता हूं और किन किन स्टॉक्स में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, ये सारी चीजें मैं चैनल पर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस चैनल पर हम लोग किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस है कि हम लोग स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाएं। दोस्तों, एज ए फुल टाइम ट्रेडर मुझे पता है कि क्या क्या चीजें फेस करनी होती है जब हम लोग मार्केट में नए नए आते हैं। दोस्तों, जब मैं मार्केट में नया नया आया था तो मुझे पता है कि मैंने किन किन मुसीबतों का सामना किया था मार्केट के अंदर। मैंने बहुत सारी एडवाइजर के साथ में काम किया, कोई एडवाइजर सही नहीं है मार्केट के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग भी अगर मार्केट में नए होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि किसी एडवाइजर से हम लोग एडवाइस ले रहे हैं और वहां से हम लोग उनकी टिप्स पे काम करके हम लोग पैसा कमा लें। दोस्तों, कोई भी एडवाइजर ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप समझिए, अगर वो खुद एडवाइस से पैसा कमा पाते, अगर वो खुद ट्रेड करके पैसा कमा पाते तो वो आप लोगों को एडवाइस क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मार्केट से पैसा कमाना है तो सीधी सी बात है, आप लोगों को सीखना होगा किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर, किन किन चीजों पे हम लोग वर्क करके हमारी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है जो आपको धीरे धीरे ही डेवलप करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं रातों रात आप पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा कमा लें मार्केट से, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं ये 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे एज ए ट्रेडर, एज ए फुल टाइम ट्रेडर मुझे पता है कि मार्केट में कितनी सारी परेशानी आती है जो एक ट्रेडर को फेस करनी होती है। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वीडियो में और इस चैनल पे हम लोग किन किन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद ट्रेड नहीं करते हैं लेकिन लोगों को एडवाइस देना प्रिफर करते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है, जो खुद ट्रेड करके पैसा नहीं कमा सकता है वो आपका पैसा कैसे बनाएगा। इस चैनल पे हम लोग यही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि एज ए फुल टाइम ट्रेडर आप लोग भी कैसे पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। मैं यहाँ पे कोई टिप्स नहीं देने वाला, ना ही कोई मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी सेल करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी, जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। और दोस्तों, जो लोग पिछले 1 साल से मार्केट के अंदर हैं, मैं उनको बता दूं ये चैनल उनके लिए बहुत सही होने वाला है। दोस्तों, मैं मार्केट में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और एज ए फुल टाइम ट्रेडर मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में कोई टेक्निकल कोर्स सीख लें या फिर फंडामेंटल कोर्स सीख लें और उससे आपका पैसा अच्छा बन जाएगा, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल बहुत अच्छे से आता है लेकिन वो लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। फंडामेंटल भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो फंडामेंटली अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन वहां पे भी पैसा नहीं बन पाता है। दोस्तों, अभी आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग फिर यहाँ पर चैनल पे क्या सीखने वाले हैं, तो दोस्तों मैं खुद भी टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं टेक्निकल भी देखता हूँ, मैं फंडामेंटल देखता हूँ, प्लस मैं डेटा एनालिसिस भी करता हूँ। तो मुझे एक चीज जो समझ में आती है मार्केट के अंदर, मैं एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पर, मैं कोई टेक्निकल टूल यूज नहीं करता। अब आप सोच रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं टेक्निकल टूल यूज नहीं कर रहा, तो ऐसा कोई ये कोई चीज जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल टूल्स ही यूज करो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। आप लोग बेसिक चीजों को, मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप मार्केट में काम करेंगे ना, अगर आप टूल्स के पीछे भागेंगे या फिर आप किसी स्ट्रेटेजी के पीछे भागेंगे, या अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया और वहां से उन सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग मार्केट में पैसा बना ले, तो लोग दोस्तों वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो पैसा नहीं बनाते हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन जो आपका बड़ा पैसा बनेगा वो मार्केट के अंदर, वो आपको मार्केट के अंदर इन सब चीजों के अलावा कॉमन सेंस भी रखना जरूरी होगा। दोस्तों, आपको ये चीज समझनी होगी कि टेक्निकल जो होते हैं, टेक्निकल टूल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो डिपेंड करते हैं वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। तो मैं प्राइस एक्शन पे भी काम करता हूँ, साथ में मैं कुछ ऐसे पैटर्न्स पे काम करता हूँ जहां से आप लोगों को ये पता करना होता है कि अर्ली आपको सिग्नल मिलना चाहिए कि कहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या फिर कहाँ पर सेल करना चाहिए। वो सारी जो स्ट्रेटेजीज जो है वो आप उसको स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, क्योंकि उन सारी स्ट्रेटेजीज पे जिन पे मैं काम करता हूँ, जिन पैटर्न्स पे मैं काम करता हूँ, मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर किए थे। दोस्तों, फर्स्ट स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया था 6th ऑफ सितंबर को।
दोस्तों बता दो, उस टाइम पे आप गूगल पे देख सकते हैं, आप निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी उस टाइम पे चल रहा था अराउंड 10,800 के आसपास, उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था। मैंने उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर को सजेस्ट किया था कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने, आप एक और स्क्रीनशॉट देखिए जहां मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को सजेस्ट किया था कि जो FIIs जो है वो मार्केट के अंदर एटलीस्ट 30,000 to 40,000 crore रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और आप अभी एग्जैक्ट फिगर भी देख सकते हैं, ये भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, और किस डेट को मैंने ये बताया था वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने कॉल दिया है अभी अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो मैंने सजेस्ट किया था अपने फैमिली मेंबर को, वहां पर मुझे कुछ मेरे फॉलोवर्स जो है उन लोगों ने उससे पूछा था कि वो मैंने सजेस्ट क्यों किया, वहां पे कोई टेक्निकल साइन नहीं है और वो मैंने क्यों सजेस्ट किया, तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट डे उसने कितना बड़ा मूवमेंट दिया था, ऑलमोस्ट 4% के आसपास का उसमें मूवमेंट आया था, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की कुछ कॉल्स जो है वो हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैनल पे आप लोगों को बताने वाले हैं। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोगों के साथ में मैं आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज शेयर करता रहूं, बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताता रहूं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल पे जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो बिल्कुल फ्री होने वाली है, जिन भी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।